हे गाइस वेलकम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। गाइस इस बजट सेगमेंट में भी आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। 30,000 का अमाउंट बहुत बड़ा होता है एक स्मार्टफोन के लिए, इसलिए गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सभी स्मार्टफोन बेस्ट होते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप लोग स्मार्टफोन परचेज करोगे। तो गाइस इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ जिनमें से आप लोग इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो गाइस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहना, आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करूं जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो एज 25G। गाइस आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त चाहिए, साथ में कैमरा क्वालिटी बेहतरीन हो, और आपको जो है वो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस भी कमाल का चाहिए, तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हो। ये दोस्तों स्टार्ट होता है 8GB प्लस 128GB से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले। ये पंचोल के साथ आता है, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। साथ में दोस्तों ये डिस्प्ले 10 बिट का दिया गया है, इससे दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो डिस्प्ले की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इसमें दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G, 5G के साथ आता है, 6 nm पर बेस्ड है, तो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस एकदम कमाल का होने वाला है, एनर्जी एफिशिएंसी तगड़ी होने वाली है। दोस्तों इसमें आपको 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। कैमरा इस फोन का वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट के हिसाब से। दोस्तों इस फोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि मेरे अकॉर्डिंग कम है। हो सकता है कि बैटरी कम करने का रीजन स्लिमिस्ट, जी हाँ ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो आपकी प्रायोरिटी पतले स्मार्टफोन को लेकर भी है ना, फिर भी आप लोग इस फोन की तरफ देख सकते हो। ये दोस्तों 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसमें आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है। वैसे भी दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट पर ऑलमोस्ट कंपनीज इस 3.5 mm के जैक को रिमूव करते जा रही हैं। दोस्तों ये 8GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है, इसकी प्राइस है 29,999, 30,000 रुपये में आप लोग इस फोन को बाय कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme की तरफ से, Realme GT Neo 2 5G। दोस्तों आपको नेक्स्ट लेवल की गेमिंग करनी है, आपको फ्लेक्सिब लेवल एक्सपीरियंस लेना है गेमिंग के मामले में, तो आप लोग इस फोन को देख सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप लोग फ्लेक्सिब एक्सपीरियंस फील कर पाओगे इस फोन के अंदर। दोस्तों ये 8GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है, इस फोन में आपको मिलता है 6.62 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले, पंचोल के साथ आता है। इसमें दोस्तों 120 हर्ट्ज दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। इसमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास दी गए हैं, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है, 65 वॉट के सुपर डार्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, 65 वॉट का चार्जर ये सपोर्ट करने वाला है। इसमें भी दोस्तों आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है। दोस्तों ये 8GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है, जिसकी प्राइस थोड़ी सी आप देखने को मिलेगी, यानी कि 32,000 में आपको ये मिलता है एक्चुअल प्राइस पर, बट दोस्तों इस पर डिस्काउंट मिलता है आपको। यहाँ पर आप लोग 2,000 का इजीली डिस्काउंट ले सकते हो, कार्ड वगैरह जो ऑफर सेल में बाय करोगे ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस फोन को आप लोग अंडर 30,000 के प्राइस रेंज पर डेफिनेटली बाय कर पाओगे, तो ये गेमिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन है वीवो के सब ब्रांड आईक्यू की तरफ से, IQ 7 5G। ये भी दोस्तों गेमिंग के मामले में एकदम बेस्ट स्मार्टफोन है, साथ ही साथ दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग भी तगड़ी मिल जाती है इस फोन में। दोस्तों ये 8GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है, इसमें आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले जो कि पंचोल के साथ आता है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस फोन में दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। परफॉर्मेंस मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 जो कि 5G के साथ ऑलरेडी आता है, गेमिंग आपका नेक्स्ट लेवल का होता है। दोस्तों इस फोन में आपको 48 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल कैमरास मिलते हैं विद OIS, जी हाँ
यहाँ पर आपको OIS का फीचर भी दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसमें 4400 mAh की बैटरी मिलती है। साथ में ये डिवाइस 66 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें भी आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है। दोस्तों ये 8GB प्लस 128GB से आता है और इसकी प्राइस है 29999। जी हाँ, 30,000 के अंडर में आप लोग इस फोन को डेफिनेटली बाय कर पाओगे। तो तगड़ी गेमिंग करनी है, साथ में आपको OIS वगैरह चाहिए, फास्ट चार्जिंग बेहतरीन चाहिए, तो इस फोन की तरफ देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। दोस्तों आपको डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरा तीनों एकदम कमाल के चाहिए, तो इस फोन की तरफ आप लोग देख सकते हो। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है। इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले, जो कि पंचोल के साथ आता है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, बट यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोस्तों इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G दिया गया है। साथ में 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में आपको 15 वॉट का चार्जर ही मिलता है। जी हाँ, 15 वॉट का चार्जर मिलता है, स्मार्टफोन 25 को सपोर्ट करता है। तो आपको फास्ट चार्जिंग से चार्ज करना है तो आपको 25 वॉट का चार्जर अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है। दोस्तों ये स्टार्ट होता है 6GB प्लस 128GB से, बट गाइस इसकी प्राइस 30,000 है एक्चुअल प्राइस। और गाइस इस फोन पर आप लोग काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट भी ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग कार्ड से पेमेंट करोगे ना तो 5,000 का ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप लोग इस फोन को इजीली 25,000 में बाय कर पाओगे। और 25,000 के हिसाब से ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है, किलर स्मार्टफोन है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन की बात करूं, जो कि आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 11i Hypercharge 5G। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एकदम फास्ट चार्जिंग चाहिए, मतलब आप लोग 15 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर पाओगे इस फोन को। इस फोन में आपको एकदम तगड़ी और इंडियाज फास्टेस्ट चार्जिंग दी गई है, जो कि फर्स्ट टाइम आपको इंडिया में इसी फोन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों इस फोन का 6GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले, पंचोल 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें भी आपको वही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसमें परफॉर्मेंस मिलता है MediaTek Dimensity 920, जो कि 6nm पर बेस्ड है। गेमिंग एक्सपीरियंस आपका ठीक ठाक होने वाला है। दोस्तों इस फोन में आपको 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। साथ में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी दी गई है, बट ये स्मार्टफोन 120 वॉट के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और Xiaomi क्लेम करता है कि ये स्मार्टफोन इस चार्जर से 0 to 100% ओनली 15 मिनट्स में चार्ज होने वाला है। ऑसम, इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग एकदम कमाल की दी गई है। दोस्तों इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है। ये दोस्तों 6GB प्लस 128GB से स्टार्ट होता है और इसकी एक्चुअल प्राइस रखी गई है 27,000। बट गाइस आप लोग इसको सेल में बाय करोगे, कार्ड वगैरह का यूज करोगे ना, तो ये स्मार्टफोन आपको ओनली 25,000 में देखने को मिल जाएगा। SBI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे ना तो ये स्मार्टफोन आपको ओनली 23,000 प्राइस बजट पर देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस पर ये वन ऑफ द बेस्ट और एकदम किलर स्मार्टफोन है। तो गाइस यही थे बेस्ट स्मार्टफोन्स, जो कि मुझे लगता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। आप लोग गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से आपको बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगा, अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।